हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30 और काफ़ी तेज़ धूप आ गई है। कल का व्लॉग आ चुका है, अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो जाइए व्लॉग देखिए, व्लॉग एंजॉय कीजिए। तो देखते हैं आज के व्लॉग में क्या कुछ खास रहता है। हो सकता है मैं ट्रैवल पर भी निकल सकती हूँ आज शाम को, या जो भी चीज़ें रहती हैं अभी कुछ मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ। जैसा भी होगा आपको मैं बताऊंगी। तो अभी चाय तो पीने का बिल्कुल मन नहीं है, कल रात डिनर भी नहीं लिया, हल्का सा वो लिया और बिल्कुल भूख सी नहीं लग रही है, शायद गर्मी की वजह से, बट देखते हैं जो भी चीजें रहेंगी। और एडी इतनी शैतानी कर रहा है, पूरे एडी ने एक हमारी चादर है ना पूरा उसे काट दिया, मतलब छेद बना दिया उसमें, और शैतानी बहुत कर रहा है एडी। और देखो वहां पे बैठा हुआ है बिस्तर के नीचे, मैं इसको निकालती हूँ बाहर फिर आपको दर्शन कराती। सुबह से काम कर रही हूँ, वो काम हो नहीं पा रहा है क्योंकि नेट बहुत स्लो चल रहा है। आज ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया, ये न्यूट्रेला हल्का सा इसको पानी में भिगा के थोड़ा सा सॉटे कर दिया था, बहुत एक दो बूंद ऑयल में, यही खा रही हूँ। एडी का फेवरेट, चल जा। सो नहा धो के बहुत फ्रेश वाली फीलिंग आ रही है एंड लंच भी रेडी है, तो लंच करते हैं। और लंच में है पनीर रोटी रात वाली सिवई। चलिए फिर लंच करते हैं। अभी मैं और एडी काफी मस्ती कर रहे थे और एडी को गर्मी लग रही थी तो वहां फैन भी लगा रखा है और अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। देखो कितनी शैतानी कर रहा है एडी, और आकांक्षा वहां पे कुछ गार्डनिंग का काम कर रही है और एडी यहाँ पे बैठे हैं। और अभी हम वॉक भी जाएंगे, जाएंगे ना वॉक पे, जाएंगे ना एडी, जाएंगे ना वॉक पे। देखिए इग्नोर मारना, जाएंगे ना वॉक पे, जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं। एडी पूछता है आप लोगों का क्या रूटीन चल रहा है, गर्मियाँ आ चुकी हैं। चले वहाँ, चले वहाँ, चले एडू, चलो आओ, चलो आओ, चलो। हाँ पता, मैं सोच रही हूँ, मतलब आकांक्षा और मैं जस्ट अभी डिस्कस कर रहे थे कि एडी को ई रिक्शा में घुमाना है, एक दिन पूरा दिन ई रिक्शा में घुमाएंगे एडी को, हम प्लान करें। क्यों एडी, चलेगा ना? गर्मी लग रही है उसको, पूरा दिन ही तो 2 घंटे। हाँ 2 घंटा था, क्योंकि बस ज्यादा होगा क्या, वो परेशान हो जाएगा ना वो उसमें। सो अभी देखते हैं, आज मैंने काफी कपड़े धोए, ये चादर वगैरह सारी धोई। और आप ऐसा देख रहे होगे कि ये ऐसा क्यों मोड़ रखा है, क्योंकि नीचे से गंदा हो जाता है कभी कभी। वहां देखिए झाड़ू, सफाई, क्लीनिंग, अभी मैं भी करूंगी सफाई, चिंता मत करो, मैं भी हेल्प करूंगी, उधर उधर वाले में मैं कराऊंगी जहां ज्यादा गंदा है। यहाँ तो कोई भी कर लेगा साफ में, वहां देखिए वहां कितने शहतूत गिरे हैं। फिर सफाई वगैरह करेगा, और वॉक पे जाना है कि नहीं? ये कह रही वॉक पे नहीं जाऊंगी, आज मेरी एक्सरसाइज यहीं पे हो गई। मैंने कहा नहीं, वॉक पे तो हम जाएंगे ही, चाहे कुछ भी हो हम मिस नहीं कर सकते। और पता हुआ क्या, लंच किया था, अभी 5 बज चुके हैं, लंच किया, उसके बाद सोचा कि थोड़ी देर सो जाऊं, बट नहीं हो पाया क्योंकि मम्मी का कॉल आ गया था, मैसेज आ गया था कि एक दो लोगों को ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, नेगेटिव ग्रुप से तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आती है, तो वो अरेंज किया, कोऑर्डिनेट करा, फिर मैं फ़ोन में बात कर रही थी कभी अंदर कभी बाहर, तो मेरी नींद, मतलब मुझे वैसे भी नींद बहुत कम आती है, और फिर नींद उड़ी गई तभी मैं ऑलरेडी वहाँ बैठे थे। चलिए फिर थोड़ा कुछ काम हो जाए, फिर देखते क्या रहता है। क्योंकि लेटी है लड़की, देखो क्या झुक के बैठा है। सो अभी मैं आई हूँ छत पे, थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारा केबल का तार है वो काफ़ी लूज सा हो रहा है एक, चलिए देखते हैं उसे कुछ रिपेयर हो पाएगा। सो हम लोग वॉक से वापस आ गए हैं, जल्दी ही आ गए फटाफट जाके, क्योंकि मौसम काफ़ी बिगड़ रहा है, अभी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, और अभी एडी यहाँ पे लेटा हुआ है, और बस यही सब चीज़ें चल रही हैं। मैं वही याद कर रही थी कि जब हम लोग जाते थे ना ऐसे खेलने के लिए या वॉक वगैरह में, तो एक ना अलग ही उत्साह होता था ना, एक अलग एक्साइटमेंट कि आप ग्रुप के साथ जा रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, तो मतलब अगर आप 10 किलोमीटर भी चलते हो ना तो आपको वो सफ़र बहुत छोटा लगता है। शायद आप लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें होती होंगी, और अगर आपसे ऐसी चीज़ें होती हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको भी ऐसा फील होता है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे साथ कंपनी अच्छी हो,
अगर हमारा मतलब फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो भी चलते हो ना, तो आपको वो सफ़र बहुत छोटा लगता है। शायद आप लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें होती होंगी, और अगर अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको भी ऐसा फील होता है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे साथ कंपनी अच्छी हो, अगर हमारा मतलब फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो मतलब जो बहुत लंबे लंबे रास्ते हैं ना, वो भी छोटे हो जाते। सो अब बनाई है चाय। चाय का बहुत ज़्यादा मन करा था। मैंने अपनी चाय में चीनी कम डाली है, आकांक्षा के में चीनी है, मतलब वो बिना चीनी के नहीं पी पाती। मैं नहीं पी पाती। वहाँ साथ में है रस, सूजी वाले, तो चाय और सूजी के रस खाते हैं। और आपको देख के लग रहा होगा कि मैं बेड में हूँ, बट मैं बेड में नहीं हूँ। ये हमारी पुरानी चादर थी और सोफे के कवर होता कि एडी यहाँ बैठ के बिल्कुल गंदा गंदा कर रहा था और बाल झड़ते ही हैं लैब्राडोर्स के। जिनके यहाँ लैब्रा होंगे उनको पता होगा। तो आकांक्षा ने क्रिएटिविटी दिखाई, चादर एक जगह से फाड़ी थी, वो भी इसी जनाब ने, किसने, एडी ने। तो कटिंग करा और देखिए मस्त सोफे कवर बन गए। सो सरप्राइज, आज हम बना रहे हैं मोमो, वो भी घर में। ये बन रही है मोमो की चटनी, ये मोमो का मसाला। और हम लोग आमतौर पे मोमोज में सिर्फ न्यूट्रेला डालते हैं, बट आज पहली बार हम इसमें पत्ता गोभी डालेंगे। तो लेट्स होप कि मोमोज अच्छे बने। और पता हो क्या रहा था, बहुत दिन से मोमोज नहीं खाए थे। पत्ता गोभी है, हरी मिर्च है, थोड़ा प्याज है, और ये चटनी ना, ये चटनी बन गई। चिंता मत करिए, हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर देंगे। सो ये मोमो का मसाला एंड दिस इज मोमोज। शुरू हो गए बनने। तो सबसे पहले इसके लिए पानी, इसे बॉईल लेगा। पानी बॉईल हो गया है तो इसमें हम मोमोज, और इतने इनफ है, ज्यादा नहीं खाना है। दिस इज इनफ, मोर देन इनफ। मोमो पार्टी। तो मोमो बन चुके हैं, अब मोमो खाएंगे। आइए हमारे मास्टर शेफ, इन्होंने बनाया मोमो, इनके लिए जोरदार ताली। तो ताली तो बजा नहीं सकते, इसे लाइक दबा दीजिएगा, लाइक का बटन। तो मोमो इज रेडी, यमी यमी मोमोज। रेडू खेल रहा है, ऐसे खेलता है कोई नहीं। लाओ मुझे, गुस्सा देखो, गुस्सा बहुत गुस्सा आता है इस लड़के को। हाँ अभी पता है इसको मोमो खाने की हो रही थी, देखो देखो तो ऐसे मोमोज भी खाए आज। खाए ना एडी मोमोज, सुनना तो आता ही नहीं इसे, गंदा। ये बॉल इसकी मेरी है ये बॉल। सो मोमोज तो हमने खा लिए, बट आज एक्सपेरिमेंट था पत्ता गोभी वाला, पर अच्छा नहीं लगा। बड़ा उतना अच्छा नहीं लगा यार, मार्केट में तो कुछ अलग ही टेस्ट होता है ना, मतलब बहुत हल्का सा लग रहा है, पता हल्का सा लग रहा है। और कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि हमें हल्का सा लग रहा है। और इसकी शतानी देखो आप, ये देखो, ये आवाज देखिए, आवाज देखिए, आवाज कितना गुस्सा आ रहा है ना इसे, ये आकांक्षा छेड़ती रहती है बहुत ज्यादा। मत करो, अभी छोड़ दूंगी ना मैं, खेलना बंद कर दूंगी तो खुद ही आ जाएगा मेरे पास। हाँ सो आप लोग बताइए, आप लोगों ने डिनर वगैरह करा एंड क्या चल रहा है? एंड आज तो मेरे ख्याल से मैं न्यूज में देख रही थी और ग्रुप्स वगैरह में भी आ रहा था कि आज से नाइट कर्फ्यू देहरादून में। तो श्योर है, और जगह मुझे पता नहीं, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बाहर जा रहे हैं तो प्लीज मास्क यूज करें, सैनिटाइज करें अपने आप को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोविड है, बट हमको प्रिकॉशन लेंगे। क्योंकि कोविड में मैंने ये गौर करा कि जितना आप क्लीनिंग और सफाई का ध्यान रखेंगे तो आप सेफ रहेंगे, तो अपने आप भी सेफ रखिए और दूसरों को भी सेफ करिए। यही हम कर सकते हैं, और तो यार हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वैक्सीन अभी आम पब्लिक के लिए ऑन नहीं हुआ। पर आज मास्टर शेफ ने बहुत अच्छे मोमोज बनाए, एक्सपेरिमेंट करें, ये बहुत अच्छा है, कुक है। हाय शर्म, पर ऐसा नहीं है आज, मतलब मुझे पसंद नहीं आया। हाँ मतलब एक्सपेरिमेंट था, और बाहर तो हम खाते हैं पत्ता गोभी के मोमोज, बट आज थोड़ा वैसा था, बट अच्छा लगा, अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि नहीं, पता नहीं अभी भी वो टेस्ट आ रहा है।
मतलब एक पत्ता गोभी वाला ही था बिल्कुल। हाँ उसमें हमने न्यूट्रेला भी डाला बट उतना नहीं, बट ये कि लाइट लाइट से लग रहा है, हमने हल्का ही खाया, पूरा नहीं हमने ऐसा बनाया कि हम बहुत ज़्यादा हैवी खा लें, बट अच्छा लग रहा है। और अभी ऑलमोस्ट बज चुके हैं 11, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, एडी बोल रहा है, और पहली बार देख रहे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो कुछ बहुत एक्साइटिंग मैं प्लान कर रही हूँ, हो सकता है कल के ब्लॉग में ही आपको देखने को मिल जाए एडी। तो गाइज अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आसपास सफाई बना के रखिए, मैं भी आ जाता हूँ, एनिमल्स को फीड करिए, अपने घरों के बाहर पानी रखिए ताकि आप किसी की हेल्प कर सकें। तो मिलते हैं एक नए जोश के साथ एक नए ब्लॉग में। टिल देन देखो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।